अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोग बड़े ज़बरदस्त इमेजेस शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम ये जो डिजिटल आर्ट है इसे कहीं सेल कर सकते हैं, और ये जो लोगोज़ हैं इनको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अभी पॉलिसीज़ बन रही हैं। बहरहाल मैंने इस पे बड़ा स्टडी किया है, तो अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है कि आप अपने यूज़ के लिए, चाहे कमर्शियल हो चाहे इंडिविजुअल हो, इन पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लोगोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करने का थोड़ा सा इशू हो सकता है। मतलब आप लोकल मार्केट में तो कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के लिए भी कर सकते हैं और अपनी वीडियोस में भी कर सकते हैं, थंबनेल्स में भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, इशू तब है कि कहीं से कोई वायलेशन होती है कि कोई आप किसी को हरास करते हैं, करने के लिए यूज़ करते हैं कोई इमेज, कानून से हटकर कोई काम करते हैं, तो फिर आपको पकड़ा जा सकता है। तो बहरहाल ये ओपन प्लेटफॉर्म पे वो उसके भी तरीके हैं, तो नई बात हो सकती है कि आप इसको कैसे बेच सकते हैं, वो आप लोग रिसर्च करके समझ सकते हैं। हाँ, जो फाइल है JPG जो बनती है, क्या उसको, कुछ लोगों ने पूछा था कि वो लोगों की जो फाइल होती है PNG या PDF या दूसरे फॉर्मेट्स, तो उसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र। वो हम एक साइट इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन कन्वर्टर के नाम से, तो आप इसमें imageonlineconverter.com, ये आपके सामने स्क्रीन पर URL शो हो रहा है, तो आप इस साइट में जाकर अपनी फ़ाइल को अपलोड करें और उसको किसी भी फॉर्मेट में PNG PDF, ये डाउन एरो ऊपर से क्लिक करेंगे और नीचे फिर फाइल अपलोड करके स्टार्ट करेंगे, कन्वर्ट हो गई और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन लोगों का आ रहा था कि बिंग ऐप का इंटरफेस लोगों को पता नहीं चल रहा, तो ये बिंग ऐप आपके सामने है। ये देखिए, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, रिवार्ड पॉइंट्स हैं, रिवार्ड पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। मसलन बिंग अपने कस्टमर इकट्ठे कर रहा है, तो उसने मुख्तलिफ रिवार्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको बिंग उसके इवज़, जितना भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे या इमेजेस बनाएंगे, बिंग आपको पॉइंट्स देता है। उन पॉइंट्स के अगेंस्ट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब मेट्रो के कार्ड्स हैं, फूड पांडा के कार्ड्स हैं, ठीक है, आप डोनेट कर सकते हैं। ये काफ़ी जगहों पे ये लिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो डेली चेक इन पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर हर वीकेंड पे पॉइंट्स कुछ और मिलते हैं, ठीक है। नीचे इसके अर्निंग के प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं कि आप ये काम करें तो इतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये करें तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, गेम खेलेंगे तो इतने मिलेंगे। एक्चुअली ये कंपटीशन बिंग का है गूगल के साथ। सारी ट्रैफिक क्योंकि गूगल पे डाइवर्ट हो गई थी, तो बिंग ने अपने आप को रिवाइव करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन फ्री में दी हुई हैं। ये इमेज कन्वर्टर भी एक्चुअली एक छोटी सा उनका टूल है जो कि ट्रैफिक को लाने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर और सारा ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो ये ऊपर सर्च बार है, यहाँ आप एड्रेस देते हैं। मसलन एक साइट में सर्च कर रहा हूँ, ये साइट बड़े काम की है, ये भी आप देख लें, pixabay.com। यहाँ भी लोग ये इमेजेस लेकर, तस्वीरें लेकर, बना कर और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को वीडियोस के लिए। इनको कहते हैं स्टॉक इमेजेस। जैसे आप भी बना रहे हैं, ये स्टॉक इमेजेस हैं, इनको आप किसी भी यूज़ के लिए, इनका लाइसेंस होता है कॉमन यूज़ लाइसेंस, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस पर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेजेस सब यहीं से, ये जो वीडियोस देखते हैं आप वो इन्हीं साइट्स से वीडियोस लेकर, तस्वीरें लेकर और म्यूज़िक सब कुछ लेकर बनाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे बिंग का है, ये दरमियान में जो बटन है ये चैट बूट, चैट बूट पे आप
दबाएंगे तो आप इससे बड़े काम ले सकते हैं। ये हमें जब हम कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग पे आएंगे तो हम चैटबॉट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप मसलन स्टोरीज जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ, आप इसको भी यूज़ करके देखें, ठीक है। इन स्टोरीज़ के मुताबिक फिर आप इमेजेस जनरेट करके, उनकी ऑडियो फाइल जनरेट करके स्टोरीज बना सकते हैं, बच्चों की स्टोरीज़ की वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो आप चैटबॉट को यूज़ करके इसे गपशप लगा के देखें, इससे रेसिपीज़ ले सकते हैं, ठीक है, पोएम्स लिखवा सकते हैं। आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगा इसको डिटेल में। जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग का सेक्शन है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने स्टोरीज जनरेट हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा बिंग इमेज क्रिएटर है, अभी कुछ लोगों को क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा था, उन्हें बिंग इमेज क्रिएटर ही नहीं मिल रहा था, तो ये ऐप्स पे जो लास्ट आइकॉन है क्लिक करेंगे, उसमें जाएंगे नीचे, तो उसमें ये बिंग इमेज क्रिएटर का आइकॉन आ रहा है। एक्चुअली जब हम कोई कोर्स कराते हैं तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपको बेसिक चीज़ों का पता होगा कि कैसे कोई ऐप डाउनलोड की जाती है और उस पर उसको कैसे इंस्टॉल करके और उसमें पासवर्ड्स कैसे, लॉगिन कैसे किया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी कि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, हर फील्ड से हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। बहरहाल ये इमेज क्रिएटर खुला हुआ है आपके सामने। अब ये मुख्तलिफ नीचे इमेजेस आ रहे हैं, ये आइडियाज़ हैं, यहाँ प्रॉम्प्ट आप रीड करें, इनको थोड़ा चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉम्प्ट स्टडी करें, उसका स्टाइल स्टडी करें कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, उसका स्टाइल क्या होता है। अच्छा, इसके बाद ये सरप्राइज़ मी का एक वो है कि अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, सरप्राइज़ मी पर क्लिक करते हैं तो एक आपको ये ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट दे देता है। इसको भी चेंज करके, मॉडिफाई करके आप अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये देखें, ये मैंने वर्ड एक वर्ड चेंज करके क्रिएट किया और ये टोटली एक नई पिक्चर जनरेट होके सामने आ जाएगी। ये आपके सामने इमेज आ गए हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बिंग इंटरफेस के बारे में, कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है और जो कॉमन क्वेश्चन थे उनके बारे में। अच्छा, अब हम अपना डेली का रूटीन लेक्चर शुरू करते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग डिस्कस कर रहे थे आप लोगों ने, बड़े ज़बरदस्त लोगोज़ डिज़ाइन करके पोस्ट किए हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो की टाइप्स तो हमने देख ली थी, इन टाइप्स के साथ आप जिस कंपनी, जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगो डिज़ाइन कर रहे हो वो भी लिख सकते हैं। मसलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस, रिटेल, फूड और जितनी भी इंडस्ट्री हैं, आप उस इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे तो वो एक आपको नया उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगो देगा। इसी तरह आप टारगेट ऑडियंस भी बता सकते हैं कि ये जो जिस कंपनी का लोगो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, या एडल्ट की है, चिल्ड्रन की है, ख़वातीन की है, मर्दों की है, या दोनों की है, उसके अकॉर्डिंगली आप, वो आपको डिज़ाइन देगा। ब्रांड वैल्यू बता सकते हैं, हर ब्रांड की वैल्यू होती है, जिसका लोगो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उनसे उसकी वैल्यूज़ लेंगे, ट्रस्ट वर्दी है, फ़नी है, इनोवेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आप बारी बारी ट्राई करेंगे। कलर स्कीम कि कैसे कलर्स हों उस लोगो में, मोनोक्रोम हो, टू कलर हो, थ्री कलर हो, मल्टी कलर हो, तो ये भी बेशुमार कलर स्कीम्स हैं, सिल्की हो, गोल्डन हो। अच्छा, उसके बाद स्टाइल्स हैं, मिनिमलिस्ट है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, क्लासिक है, बेशुमार स्टाइल्स हैं। ये भी आप मुख्तलिफ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये आप जो लिखे हुए हैं इनके नोट्स बनाते जाएँ साथ साथ, इनको ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं लोगो जनरेशन में। अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी है, मैं एब्स्ट्रैक्ट शेप लेना चाह रहे हैं, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स लेना चाह रहे हैं, पीपल या एनिमल लेना चाह रहे हैं, लोगों में कोई जानवर की शक्ल लेना चाह रहे हैं, या किसी बच्चे की, या किसी, वो आप डिफ़ाइन करेंगे तो उसके मुताबिक आपको लोगो बना के देगा। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी आप मेन चीज़ें तो समझ गए हैं। मसलन ये मैंने एक लोगो, ये देख लें कि कॉम्बिनेशन लोगो बनाया है क्रिएटर्स का, जिसमें मैंने बोल्ड
कैरेक्टर्स से कहा है कि लिखिए, और इनोवेटिव क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इनोवेटिव एक वर्ड यूज़ किया है, और 3 कलर में बनाए और मॉडर्न स्टाइल में और रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हो। तो ये आपके सामने, ये तकरीबन उसने क्रिएटर्स लिख दिया है। इसी तरह ये मैंने 2 लेटर्स का बनाया। अब वर्ड की बजाय लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक लेटर हो तो वो उसे लिख देता है, वर्ड भी आपको रिजल्ट मिल जाता है उसको, अगर आप वर्ड के साथ वो लिखें कोई भी वर्ड तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये वही मैंने डिजिटल क्रिएटर्स को डीसी कर दिया है और उसने एग्जैक्ट रिजल्ट दे दिया है। अब इन फाइल्स को आप, जैसे हमने देखा कि अपलोड करके आप कन्वर्ट करके पीएनजी में, तो आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं स्टाइल ऑफ आर्ट्स। अब जो आपके लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि शक्लें सही नहीं बनती हैं और मुख्तलिफ इश्यूज हैं, और ये उसके लिए हेल्पफुल होगा कि आप आर्ट्स के स्टाइल को फॉलो करें। मतलब पेंटिंग के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, वाटर कलर पेंटिंग होती है, ऑयल पेंटिंग होती है, क्रेयॉन और स्टीम पंक होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, रियलिस्टिक होती है, कार्टून्स होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होती है। अब ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो वो आपको हर पिक्चर्स के साथ मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट देगा। मतलब कार्टून, आप टॉम एंड जेरी कार्टून बना सकते हैं, मुख्तलिफ कार्टून करेक्टर सर्च कर लें, उनके नाम दें, वो आपको उनको कार्टून बना देगा। ठीक है, किसी मशहूर शख्सियत के कार्टून को इन्होंने बैन किया हुआ है, बिंग आपको वो रिफ्यूज़ कर देगा कि ये पॉलिसी वायलेशन है, लेकिन दूसरी कुछ साइट्स उनके भी बना देती हैं। अब आर्टिस्ट हैं जो पेंटर और मुख्तलिफ आर्टिस्ट इंटरनेशनल गुजरे हैं या हैं, उनके स्टाइल्स में भी पेंटिंग आपको ये बना के दे सकता है। मसलन पिकासो है, डाली है, और ये मुख्तलिफ आप सर्च कर लें, कैनालिटो एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिस्टिक कार्टून, और ये वही फ्यूचरिस्टिक स्टाइल स्टाइल में भी ये यूज़ कर सकते हैं। मसलन हम इसको डिस्कस करते हैं, जैसे ये वाटर पेंटिंग स्टाइल है, मैंने ये बनाया है कि वाटर कलर पेंटिंग ऑफ किड इन लश ग्रीन जंगल, तो ये इसने ये रिज़ल्ट दिए हैं। ये पिकासो जो उनका बहुत बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर था, ये उसकी पेंटिंग है, उसके स्टाइल में पेंटिंग है, वुमन इन रेड ड्रेस। तो इसको भी आप, हमारे लिए तो ये शायद इतने अट्रैक्टिव ना हो, जिनके लिए जो आर्ट की समझ रखते हैं उनके लिए ये मास्टरपीस है। इसके बाद ये रियलिस्टिक ड्राइंग ऑफ ड्रैगन विद स्केल्स एंड विंग्स। अब ये ड्रैगन की देखिए इमेज बनी है, कितनी फाइन रिफाइन इमेज है, रियलिस्टिक ड्राइंग। अब जो भी, अब ये जो आप कह रहे हैं चेहरों के इश्यूज, और ये रियलिस्टिक ड्राइंग का अगर आप वर्ड यूज़ करें तो आपके ये चेहरों के इश्यूज जो ठीक नहीं बनते वो ऑलमोस्ट ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसके बाद फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर में कुछ आप किसी शहर का दिखाना चाहते हैं, कोई आप ने ऐसी स्टोरी पे बनाना है वीडियोस जिसमें आप फ्यूचर दिखाना चाहते हैं, ये फ्यूचर को आप, जैसे इसमें है फ्यूचर डिजिटल आर्ट ऑफ अ सिटी विद फ्लाइंग कार्स, तो कारें उड़ती फिर रही हैं। अच्छा, जैसे वो मैंने आपको बताया हा कि रियलिस्टिक ड्राइंग, तो ये मैंने एक बनाई है, देखें इसमें कोई इमेजेस में इश्यू नहीं है। अगर आप ये रियलिस्टिक ड्राइंग में बनाते हैं, अगर आप सिर्फ सिंपल लिखते हैं तो जाहिर है वो फिर कुछ इमेजेस को उठा के बनाता है, और कॉपीराइट से बचने के लिए वो उनके चेहरे बिगाड़ से देता है। जब आप ड्राइंग कहते हैं तो ड्राइंग को वो खुद से ड्रॉ करता है, उसमें ये इश्यूज नहीं आते। उसमें आप कलर, आइज़ का कलर दे सकते हैं, उसमें आप ड्रेस का कलर दे सकते हैं, उसमें उसकी नेशनैलिटी दे सकते हैं, तो ये उसके मुताबिक आपको ड्रॉ करके दे देगा। तो आज के लेक्चर आपने देखना है, और ये इन्हीं स्टाइल्स को कॉपी करके आपने शेयर करना है कि कोई कार्टून करेक्टर्स बना के शेयर करें, और मुख्तलिफ स्टाइल्स में, आर्ट स्टाइल्स में पेंटिंग बना के वो शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।